हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है मोटोरोला का E4 प्लस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे इसका फोल्डर कैसे चेंज होता है। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी करनी हो, फोल्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन को डिसेंबल करना है। मैंने डिसेंबल करके रखा हुआ है और उसके बाद आपको ये देख लीजिए, मैंने फ़ोन को डिसेंबल करा हुआ है। तो उसके बाद आपको पुराना फोल्डर रिमूव करना है। तो उसके लिए आपको उसके बाद आपको क्रोम की सफाई करनी है दोस्तों। तो आपको क्रोम की सफाई करने के बाद आपको फोल्डर को चेक करना है।
तो दोस्तों अभी हम फोल्डर चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद इसे फिट करेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों आप कोई भी फोल्डर लगाते हो तो आप उसे चेक ज़रूर कर लीजिए एक बार, क्योंकि लगाने के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इसे निकालने में। तो दोस्तों ये देख लीजिए फोल्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है इसका, ये देख लीजिए। तो अब हम इसे चेंज कर देंगे। अब हम इसे ग्लू डाल देते हैं पहले। ग्लू लगाने के बाद आपको सिंपली फोल्डर को फिट कर देना है।
बाद आपको पूरे पेज लगा देने हैं इसमें।